दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि आई बी में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में एक चीज मेंशन कर दी है वो ये है कि मशीन लर्निंग और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक किया जाएगा पहले ये अपना एक ट्रायल कर रहे थे लेकिन वो चीज़ें ऐसी थी कि लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में वाली बात मेंशन कर दी है तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आई बी एग्जामिनेशन के लिए तो पहले तो इतना समझ

इसमें लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ़ इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपका लेटर और ऐसे आएगा मे बी एवेलुएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशेंसी यहाँ पर सबसे जो की टर्म है वो है आपका राइटिंग प्रोफिशेंसी को इवेलुएट करना मतलब आपने कंटेंट जो है वो किस तरीके से आपने वहाँ पर क्रिएट किया है डेवलप किया है आपका मैटर क्या कहने वाला है ठीक है दूसरी चीज़ है आप जो ग्रामेटिकल एरर वगैरह करते हो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर इजिल आइडेंटिफाई हो जाएंगी देखो मैं आपको एक यह यहाँ पर चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा कुछ लोग कहेंगे ये कैसे कर लेंगे देखो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार है ऑटोमेटेड है ये क्या है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कीवर्ड को एक अपने पैसेज में डाल देंगे ठीक है अब उस चीज़ से आपका जो मैच है वो किया जाएगा कितने परसेंटेज मैच हो रहा है ग्रामेटिकल डिस्टेंस तो वैसे ही पता लगेगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स कर रखी हैं वो चीज़ें आपकी अलग एवेलेट होंगी लेकिन जो आपने मैटर लिखा है वो कितना रिलेवेंट है कितना राइटिंग प्रोफेसेंसी उसमें है वो चीज़ें आपकी एआई और इनका जो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है उससे ये वाली चीज़ें पता चल पाएंगी ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने इजली रख रखा है यहाँ पर कि द स्कोरिंग मैकेजम इज़ ड्यूली वैलिडेटेड इसको दो बार मतलब आप समझ सकते हैं कि दो तरीके से वैलिडेट किया जाएगा एन इवेलुएट्स टेस्ट टेकर्स प्रोफिस इन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एज द मैकम डज नॉट हैव एनी इन विल्ट बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्स ठीक है तो किसी तरीके की घपलेबाजी नहीं चलेगी आपको बहुत ही कॉन्टेंट स्पेसिफिक लिखना होगा एकदम नपातुला लिखना होगा और कोशिश ये करना कि स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल व्यू आपका यहाँ पर अलग थलग ना हो ठीक है ये पहले भी हुआ होगा ठीक है मैं इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कहूँगा कि नहीं होता था लेकिन हाँ नोटिफिकेशन में इन्होंने ये वाली बात मेंशन कर दी है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है देखो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो न्यूज़पेपर है ना इंग्लिश का उसमें जो एडिटोरियल आ रहा है आप उसको लिखने की वो बनाओ प्रैक्टिस कोशिश करो कि आप एम एस बर्ड पर टाइप करो उसको पूरा इट इज तो आपका एक पूरा ब्यूक्रेट होगा कि किसके बाद क्या आ रहा है ठीक है ऐसा नहीं कि मन से पूरी कहानी लिख दी और पहले ऐसा होता था कि भाई एग्ज़ाम ने मैनुअल चेक करा है तो मे बी अच्छा खासा लिखा हुआ है तो वो हो जाता है ठीक है काफ़ी लोग सवाल आ रहा लेकिन नहीं इस बार जब मशीन से टेस्टिंग होगी भाई साहब तो उसमें दिक्कत आ भी सकती है और आपको बहुत ही कीवर्ड नपेतुले तुले स्टैंडर्ड प्रोविजन जो है वो यहाँ पर लिखना होगा तो ये बात आप सभी के माइंड में आ जानी चाहिए बाकी तैयारी करो और मैं कोशिश करूंगा कि ऑलिव बोर्ड के साथ अपना कम्युनिकेशन करके कि आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ मेटेरियल इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर मिल जाए तो मैं लगातार इनके कांटेक्ट में रहूंगा और अभी इन्होंने आई बी पी एस का जो है फ्री मॉक टेस्ट से लाइव कर दिया आप लोग इसको बनाओ और अपनी तैयारी करो अपना एक बार स्कोर जरूर मेंशन करना कि आपको यहाँ पर जो डी पूछी गई हैं वो डी कैसी लगी पज़ल्स कैसी हैं ये आप एक बार जरूर मैंशन करिएगा अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे सो थैंक यू गैस हैव अ गुड डेड ऑल ऑफ यू बन अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो और जो फ्री मॉक टेस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया गया है